चलिए दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एसएफ आर्ट गैलरी में। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वेस्ट जो इन विम बार का जो बॉक्स होता है उसे किस तरह से वायस बनाया जाता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए। देखिए, इस तरह का विम बार का पुराना जो भी बॉक्स है प्लास्टिक का, वो बॉक्स ले लीजिए, स्केल, सीजर, पेंसिल, कार्डबोर्ड, फेविकॉल, कलर्स, इन चीज़ों से हम हमारा वास बना सकते हैं दोस्तों। चलिए किस तरह से बनाया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो इस तरह की एक स्ट्रिप ले लीजिए दोस्तों, नियरली इस हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। लेने के बाद इस तरह का कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड पर ये स्ट्रिप रखिए दोस्तों। इस तरह से रखने के बाद स्केल से इसे ड्रा कीजिए दोस्तों, इस तरह से। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमें इसे कट करना है दोस्तों। इस तरह से इसे कट करना है। ऑलरेडी मैं यहां पर कट कर कर रखा हूं दोस्तों। देखिए इस तरह से कट करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। दिखने के बाद फिर इसे हमें नियरली 1 इंच के करीब ऐसा इस तरह से यहां पर ड्रॉ करना है दोस्तों। ड्रा करके फिर इसे भी हमें कट करना है। यहां पर मैंने ऑलरेडी इसे कट कर कर रखा है। देखिए दोस्तों, इस तरह के हम लोगों को कार्डबोर्ड के पीसेस बनाने के बाद इसके ऊपर पेस्ट करना है दोस्तों, और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें फेविकॉल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फेविकॉल है तो फेविकॉल लगा सकते हैं आप, या आपके पास दूसरा कोई आइटम है रहा तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें लगाना है। देखिए दोस्तों, पूरे कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स कट करके ये हमारे विम का जो भी बॉक्स था प्लास्टिक का, उसको लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। इसे हम वास बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर पेपर के स्ट्रिप्स भी चाहिए दोस्तों। इस तरह के पेपर के स्ट्रिप्स ले लीजिए, लेने के बाद यहां पर इसे इस तरह से रखिए। इस तरह से हमें ये अटैच करना है दोस्तों। अटैच करके इसके ऊपर एक बेस के जैसा डिजाइन देना है। ऑलरेडी मैं यहां पर बनाकर रखा हूं, आप लोगों को बताता हूं किस तरह से दिखेगा दोस्तों। इस तरह से हमें ये बनाना है, बना के फिर ये इसके ऊपर हमें अटैच करना है दोस्तों। इसे इस तरह से आहिस्ता से इस तरह से हमें ये अटैच करना है। अटैच करने से पहले यहाँ पर हमें फेविकॉल भी लगाना है दोस्तों। देखिए किस तरह से लगाया जाता है, मैं लगाकर बताता हूँ।
इस तरह से हमें अटैच करना है दोस्तों। करने के बाद हमारा वायस रेडी हो जाएगा। होने के बाद फिर इस पर हमें कलर करना है दोस्तों। आप चाहें तो अपना मनपसंद कलर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किस तरह से कौन सा कलर कर रहा हूँ आप देखिए, यहाँ पर मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये स्ट्रिप्स के बीच में जो गैप आया उसके अंदर मैं गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों किस तरह से कलर किया जाता है। इस तरह से हमें ये कलर करना है दोस्त। देखिए दोस्तों पूरा कलर मारने के बाद हमारा वायस इस तरह से दिखेगा। फिर यहां पर जो बीच में गैप है वो गैप में हम लोगों को गोल्डन कलर करना है। उसके साथ साथ इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हैं। देखिए गोल्डन कलर किस तरह से किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों गोल्डन कलर और ब्लू कलर करने के बाद हमारा ये प्लास्टिक का जो वायस है इस तरह से दिखेगा दोस्तों। फिर इस पर आप चाहें तो अपना कोई सा भी एक डिज़ाइन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, ये मैं ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर लगाकर बताता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों ब्लू कलर करने के बाद, गोल्डन कलर करने के बाद, फिर इसका डेकोरेशन करने के बाद हमारा वायस इस तरह से दिखेगा दोस्तों। तो जो भी वेस्ट आइटम है उसको हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा है कि आप जब भी जो भी आइटम फेंकना चाह रहे हो उससे पहले एक बार SF आर्ट गैलरी को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कौन सा भी आइटम वेस्ट समझ कर नहीं फेंकेंगे। इसमें आप चाहें तो फ्रूट्स भी रख सकते हैं, चाहे तो आप फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। देखो देखिए दोस्तों इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल SF आर्ट गैलरी। थैंक यू।